दोस्तों, किंग शाहरुख की अगली फिल्म को लेकर डायरेक्टर राकेश रोशन का बड़ा बयान सामने आया है। फिलहाल शाहरुख खान की आने वाली फिल्मों की चर्चा पूरे बॉलीवुड में है। वहीं राकेश रोशन इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, वो शाहरुख के साथ एक साईफाई एक्शन फिल्म बनाने वाले हैं जिसका बजट 400 करोड़ के आसपास होगा। वहीं शाहरुख भी ये फिल्म करने को तैयार है, लेकिन इससे पहले शाहरुख खान अपनी फिल्म द किंग की शूटिंग कर रहे हैं। अगले साल आपको दो बड़ी फिल्में शाहरुख की देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ शाहरुख लोकेश कनगराज के साथ भी फिल्म बनाने वाले हैं। एक इंटरव्यू में शाहरुख खान कहते हैं कि वो इस बार बहुत बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं जो सबके होश उड़ा देगी, और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहद खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा, क्योंकि उनकी मेहनत अच्छी रही और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। खबरों की माने तो शाहरुख खान साल 2024 के अगले महीने में 3 फिल्मों की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में हर कोई उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन एसआर के किसी भी फिल्म को चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। वही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने वाले हैं और उनकी आने वाले समय में काफी एक्शन फिल्में देखने को मिलेगी। शाहरुख हमेशा अपनी ऑडियंस के लिए कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार भी वो बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। अगर YRF अपनी धूम फिल्म को बताएंगे तो उसके अंदर शाहरुख को लेंगे, और वही साउथ के कुछ बड़े डायरेक्टर भी शाहरुख खान के साथ काम करने वाले हैं।